दिनेश कार्तिक ने लगाया 108 मीटर का सिक्स। डुप्लेसिस के कारण आउट हुए विल जैक्स। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सोमवार रात हाई स्कोरिंग मैच में एसआरएच ने आरसीबी को 25 रन से हराया। जिन्ना स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। एसआरएच ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 287 रन बनाए। आरसीबी ने भी दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 262 रन बनाए, लेकिन मैच गंवा दिया। एसआरएच से ट्रेविस हेड ने 39 बॉल पर सेंचुरी लगाई। उन्होंने 41 बॉल पर 102 रन बनाए। आरसीबी ने निर्देश कार्तिक ने 35 बॉल पर 83 रन बनाए। उन्होंने 108 मीटर का सिक्स भी लगाया। स्टार बैटर विराट कोहली 20 बॉल में 42 रन ही बना सके। वे मयंक मार्कंडे की बॉल पर बोल्ड हो गए। विल जैक्स कप्तान डुप्लेसिस की गलती के कारण रन आउट हो गए। हेड ने लगाया चौका, शतक जमाया। एसआरएच के लिए शतक लगाने वाले ओपनर ट्रेविस हेड ने चौका लगाकर हाफ सेंचुरी जमाई। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर विजय कुमार बैसाख ने फुलर लेंथ बॉल फेंकी, जिसे हेड ने लॉन्ग्स ऑन की ओर खेला। अपना शतक महज 39 बॉल में पूरा किया। आरसीबी के खिलाफ हेनरिक क्लांसन ने 106 मीटर का सिक्स लगाया। आईपीएल 2024 में दूसरे सबसे लंबे सिक्स की बराबरी है। इससे पहले निकोलस पूरन और वेंकटेश अय्यर भी इस सीजन में 106 मीटर का सिक्स लगा चुके हैं। पूरन ने बैंगलोर के ही मैदान में आरसीबी के खिलाफ यह छक्का लगाया है। इसी मैच में दिनेश कार्तिक ने 108 मीटर का सिक्स लगाकर तीनों बैटर्स के रिकॉर्ड को तोड़ा। अब्दुल समद ने भी 19वें ओवर में 103 मीटर का सिक्स लगाया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर समद ने रीश ट्रॉपली की गेंद पर लॉन्ग्स ऑफ की ओर से सिक्स लगाया। एडन मार्क राम ने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर यश दयाल की फुटबॉल को शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गलत तरीके से खेला, जहां रीश टॉपले ने डाइव लगाते हुए शानदार कैच टपका। टीम तुरंत विकेट सेलिब्रेट करने लगी, लेकिन फील्ड अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। लिहाजा मार्क राम आखिर तक 17 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद रहे और अब्दुल समद की शानदार 10 गेंदों में 37 रनों की पारी ने 60 टीम ने बोर्ड पर 287/3 पोस्ट करने के लिए अपने पिछले स्कोर आसानी से पार करने में मदद की। एसआरएच के स्पिनर मयंक मार्कंडे ने आरसीबी के ओपनर विराट कोहली को बोल्ड कर दिया। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्कंडे ने स्लो गांगुली फेंकी। विराट कोहली स्वीप करने गए, लेकिन चूक गए। इससे बॉल सीधे स्टंप पर जा लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।